कीर्तपुर मनाली फोर लेन संयुक्त संघर्ष समिति ने फोर लेन निर्माण में लगी कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से विस्थापितों को जबरन घर खाली करवाने की कवायद का विरोध किया है। इसी सिलसिले में संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अध्यक्षता में सनकन गार्डन मंडी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल किसान सभा एवं व्यापार मंडल भी शामिल हुए। इस अवसर पर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कंपनी और NHAI के अधिकारियों पर जबरन लोगों के घर को तोड़ने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अभी तक लोगों को उनके घरों का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। उन्हें 2 माह के भीतर घर को खाली करने के नोटिस थमाए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व प्रशासन का था, जो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर 1 लागू नहीं हो सकता, मगर भू अधिग्रहण अधिकारी की ओर से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग विकास विरोधी नहीं हैं। लोगों ने फोर लेन के लिए जमीन के कब्जे को तुरंत दे दिया है, मगर लोगों को घर खाली करने और नया बनाने के लिए मात्र 2 महीने का समय देना एक तरह से उनके साथ अत्याचार है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो लोग अपने घरों की रक्षा के लिए अपने घरों के बाहर डंडे लेकर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब पानी गले तक पहुंच गया है और हक के लिए लड़ने से पीछे कोई नहीं हटेगा। संघर्ष समिति के बैनर तले रैली भी निकाली गई तथा अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अतिरिक्त सचिव राजस्व को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें प्रदेश सरकार की 1 अप्रैल 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई फैक्टर 1 की अधिसूचना गैर कानूनी करार देते हुए फैक्टर 2 लागू करने की मांग की गई। आज ये मीटिंग रखी गई है और इसमें सभी ने ये चिंता जाहिर की है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा, शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो पुनर्वासन और पुनर्स्थापना के बंदोबस्त बिल्कुल नहीं किए गए हैं, लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है और लोगों के जो घर है वो 60 दिन में खाली करवाए जा रहे हैं और वो जबरदस्ती खाली करवाए जा रहे हैं बिना किसी इंतजाम के। तो आज लोगों ने ये निर्णय किया कि इस बारे में जल्दी से एक मीटिंग जो है हम जिलाधीश महोदय से करेंगे, LO साहब और प्रोजेक्टर डायरेक्टर से करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने भी हमको बोला है कि इसके बारे में जल्दी करेंगे। अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो लोगों को विवश होकर जो है जो अपने मकानों के कब्जे हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि कानून इनके द्वारा तोड़ा जा रहा है, ना कि किसानों के द्वारा। ये पूरे कीर्तपुर से लेके मनाली तक के लोग इसमें शामिल हैं।